डॉक्टर ई श्रीधरन एक ऐसे जीनियस इंजीनियर हैं जैसा सदियों में शायद एकाधी बार जन्म लेता है। जहां हमारे देश में शायद ही कोई काम अपने टाइम पर पूरा होता हो, वहीं पर श्रीधरन अपनी जॉब के शुरुआती दिनों से ही इम्पॉसिबल टास्क को डेडलाइन से पहले ही खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। आज की वीडियो में आपको आएगा जबरदस्त मजा, क्योंकि हम आपको बताएंगे डॉक्टर ई श्रीधरन के ऐसे किस्सों के बारे में जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग प्रोफेशन में ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है जिनको एक्चुअल में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन शायद नामुमकिन शब्द श्रीधरन की डिक्शनरी में ही नहीं है। ऐसे ही आपको एक किस्सा बताते हैं पंबन ब्रिज का। पंबन ब्रिज इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है जिसे 1914 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन 1963 में एक साइक्लोन की चपेट में आने की वजह से यह पूरे तरीके से टूट गया था। तब इंडियन रेलवे ने डॉक्टर श्रीधरन को इस ब्रिज को फिर से बनाने के लिए बोला और उनको 6 महीने का टाइम दिया। सबको पता था कि ये टारगेट मीट नहीं किया जा सकता, उस ब्रिज को 6 महीने में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन श्रीधरन ने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और लीडरशिप की वजह से सिर्फ 46 दिनों में वो काम पूरा कर दिखाया था। इसके बाद 1970 में श्रीधरन को इंडिया की पहली मेट्रो प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। जी हाँ, और वह दिल्ली मेट्रो नहीं थी, वह थी कलकत्ता मेट्रो, और ये इंडिया की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो भी थी। और इस तरीके से श्रीधरन की सोच और लीडरशिप के बलबूते पर इंडिया को उसकी पहली मेट्रो सर्विस मिली। और इसके बाद श्रीधरन 1990 में रेलवे से रिटायर हो गए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जानती थी कि श्रीधरन कोई आम इंजीनियर नहीं है, वो एक हीरा है, और ये तो हम सब जानते हैं कि हीरा है सदा के लिए, मतलब हीरा रिटायर नहीं होता। इसलिए इनकी रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट ने इनको और ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स का हेड बनाया, क्योंकि देश को उन प्रोजेक्ट्स की जरूरत थी और उन प्रोजेक्ट्स को श्रीधरन की। इनमें सबसे पहला आता है कोंकण रेलवे का। कोंकण रेलवे के ट्रैक का कंस्ट्रक्शन, जो लगभग 760 किलोमीटर लंबा है, ये 4 स्टेट्स को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला को जोड़ता है। इसे इंडिया का इस सेंचुरी का सबसे टफेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि इस रेलवे ट्रैक पर टोटल 91 टनल्स और 2000 से ज्यादा छोटे मोटे ब्रिजेस हैं, जिसमें सबसे लंबी टनल कारबुडे टनल है जो कि 6.5 किलोमीटर लंबी है, और सबसे लंबा ब्रिज शरावती ब्रिज है जो कि 2 किलोमीटर लंबा है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कितना बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, और वो भी डिसाइडेड टाइम के अंदर और जितना बजट दिया गया था उतने ही बजट में। अगर आपको श्रीधरन के इस अचीवमेंट पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब बात करते हैं उनके एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया और इनको मेट्रोमैन का नाम दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। जब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये मान चुके थे कि दिल्ली जैसी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में मेट्रो नहीं बनाई जा सकती, तब इस नामुमकिन काम का जिम्मा श्रीधरन के हाथों में सौंपा गया, और श्रीधरन ने वो कर दिखाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्रीधरन को 1995 में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का हेड बनाया गया था, और दिल्ली मेट्रो के फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के लिए इनको 7 साल और 5 साल का वक्त दिया गया था, लेकिन श्रीधरन ने हमेशा की तरह अपने टारगेट्स इस बार भी तय टाइम से पहले ही पूरे करके दिखा दिए, और उसके बाद फाइनली दिसंबर 2011 में ये रिटायर हो गए। श्रीधरन फिलहाल 80 प्लस इयर्स के हैं, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल के आगे यंग लोग भी फीके नजर आते हैं। अभी भी वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में अपनी सेवाएं देते हैं। श्रीधरन एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसने जो भी काम अपने हाथों में लिया इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। अभी हाल ही में केरला असेंबली इलेक्शन से पहले उन्होंने बताया है कि वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि वह अपना गोल्डन टच यहाँ भी बरकरार रखेंगे और देश की राजनीति में भी अपना अहम योगदान देंगे, क्योंकि इस देश को सच में ऐसे लीडर्स की बहुत जरूरत है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राइट टू शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।